अभी भी हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के इस गीता के संदेश की महत्ता को भली भांति समझा नहीं है, और यही कारण है कि आज हैप्पीनेस इंडस्ट्री फिफ्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री होने के बावजूद भी लोगों के मन में सुख और शांति नहीं है। कारण यही है कि वो जो उपाय बता रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मूड डोल्स हों, या हेड डायरीज हों, पंचिंग बैग्स हों, या जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक तरीके से बताए जाते हैं, या जिन्हें मोटिवेशनल टॉक कहा जाता है, वो फुक्का आदि देर तक रहता नहीं, वो फूट जाता है और वो कुछ दिनों के बाद वो मोटिवेशनल टॉक का पंचक हो जाता है। और इस प्रकार से वो मोटिवेशनल टॉक कितने भी हों, कितने भी बड़े बड़े शिविरें होती हैं, अंत में मनुष्य वो शांति की खोज में अभी भी लगा हुआ है, और इतने सारे उपायों के बावजूद भी उसके मन में शांति नहीं है। उसका एकमात्र कारण यह है कि हम गलत जगह पर उसको ढूंढ रहे हैं, और हम यदि ठीक जगह पर उसको खोजेंगे तो हमें अवश्य मिलेगी, एक पल में मिलेगी। कभी कहते हैं, मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा। पलभर की तलाश में, मात्र एक पल की, एक ही पल में, एक पल की तलाश में वह शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत हमें मिल सकता है, क्योंकि हमारे भीतर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार से कहा गया कस्तूरी मृग के बारे में कि वह कस्तूरी मृग पहाड़ों में पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती हैं, ये मृग क्या करते हैं, हिरण बहुत दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? कहीं से उसको कस्तूरी की सुगंध आ रही है, और सुगंध को पाने के लिए बहुत दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते थक कर के गिर जाते हैं, मर जाते हैं। बाद में पता लगता है कि वह कस्तूरी जिसकी खोज में भटक भटक करके मर गई, वह मर गया, वह मृग, वह हिरण मर गया। अरे वो कस्तूरी तो उसकी नाभि में थी, और वो चारों ओर ढूंढ ढूंढ के परेशान थी। यही हम सब की कहानी है, नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग सिरे बनकारे, बिन सतगुरु नर ऐश्वरी ढूंढे, जैसे फिरे वश पशु बनकारे। यह हमारी हालत है, हम लोग ढूंढ करके परेशान करते होते हैं, कुछ लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं शांति की खोज में, परंतु यह शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत प्रत्येक मनुष्य के भीतर में ही है, बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसके साथ योग करना पड़ेगा, उसके साथ मिलन यदि एक बार हो जाए तो हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाए। और इसीलिए आज से 5000 वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। आधुनिक मानव के प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन गया, और वहां से भगवद गीता का प्रारंभ होता है। इसलिए पहले अध्याय का नाम ही दिया गया अर्जुन विषाद योग। विषाद भी उसके लिए भगवान से मिलने का एक रास्ता बन गया, और अर्जुन विषाद योग से प्रथम अध्याय से प्रारंभ हुआ, और फिर प्रत्येक अध्याय के अंत में श्रीमद भगवदगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, सांख्यो नव योगो नाम द्वितीयोध्याय, कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय, जितने अध्याय है सब 18 अध्याय के अध्यायों का नाम किया दिया गया है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्मयोग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, सभी योग है। ये जितने अध्याय हैं अलग अलग योग हैं। तो सबसे पहले बड़े योगाचार्य हुए भगवान श्री कृष्ण। अभी इंटरनेशनल योगा डे में पूरा विश्व एकदम से मत हो गया, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, भारत के लिए अच्छी बात है। स्वामी जी ने कहा था कि इंडिया शुड कॉन्कर द वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर, भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा, ये इसका प्रमाण है। परंतु जिस योग के बारे में स्वामी विवेकानंद ने बातें कही थी, सबसे पहली बार अमेरिका जाकर के उन्होंने ये बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स जो दिया था आधुनिक मानव के लिए, चारों योगों के बारे में बताया, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, ये सभी योगों के बारे में व्याख्या की।
और आधुनिक मानव के लिए अंग्रेजी भाषा में जो संस्कृत में था, जो पूरा ज्ञान पढ़ा हुआ था हमारे शास्त्रों में, उसका निचोड़ उन्होंने अंग्रेजी भाषा में करके दिया पहली बार। तो इसको हम लोग भूल न जाए, ये बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़े योगाचार्य हुए भगवान श्री कृष्ण, सारे उपनिषदों का सार इस योगों के रूप में, 18 योग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को वो प्रस्ताव रखा, और साधारणतः प्रस्ताव को पार होने में 2-3 साल लगते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और उसके बाद बहुत चर्चा होती है, और फिर बहुमत यदि हो तभी वो प्रस्ताव पारित होता है। पर यह आश्चर्य की बात कि 24 सितंबर को रखा गया और 11 दिसंबर 2014 को 3 महीनों के भीतर में प्रस्ताव पारित हो गया, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से नहीं हुआ, यूनैनिमसली पास हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया। 190 में से 177 देशों ने उसमें संधि में उसमें हस्ताक्षर किए, पर अपोज किसी ने नहीं किया। ये एक अद्भुत घटना, अभूतपूर्व घटना है। ये बताती है कि आज सारा विश्व योग के लिए तैयार है, योग को स्वीकार करता है, बहुत बड़ी बात है। और वह स्टैटिस्टिक्स को देखने पर पता चला कि करीब करीब 20 करोड़ लोग जो सारे विश्व में अभी योग और ध्यान का सहारा ले रहे हैं, उसमें से 10 करोड़ से अधिक तो विदेश में हैं, जिसमें करीब करीब 4 करोड़ तो केवल अमेरिका में हैं, बाकी सब दूसरे अन्य देशों में। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु एक बात से हमको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि अभी जिस योग को सारा विश्व स्वीकार कर रहा है, वह योग को योगा बना दिया, योग को योगा, योगा मतलब योगासन। तो केवल योगासन करने से बहुत अच्छा है, उससे ब्लड प्रेशर कम होता है, बाईपास सर्जरी बाईपास होती है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दीर्घ उम्र हो जाती है, उम्र भी बढ़ जाती है, सब बहुत अच्छा है। तो इसके लिए अब इसका उपयोग यदि उसके लिए किया जाता है, उसके विरुद्ध हमें कुछ नहीं कहना, परंतु योग को मात्र योगासन तक ही सीमित रखना, यह योग का ठीक ठीक अर्थ नहीं होगा, अर्धघटन उसका ठीक नहीं होगा, और उसका हमारा जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, वो समाप्त हो जाएगा। तो जिस योग की बात स्वामी विवेकानंद ने की, या जिस योग की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह योग जो है वो युज धातु से बना है। युज का मतलब होता है जोड़ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन है योग। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, व्यक्तिगत चेतना, और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वैश्विक चेतना, इन दोनों का मिलन जो होता है, तभी मनुष्य को शाश्वत सुख, शाश्वत शांति प्राप्त हो सकते हैं और अनंत जीवन मिल सकता है, उसके पहले नहीं। तो यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, उस योग को प्राप्त करना, उस परम चैतन्य तत्व को प्राप्त करना, दिव्य चेतना के साथ हमारी व्यक्तिगत चेतना का समन्वय, उसका योग, उसका मिलना, वो सचमुच का योग है, और वो दीर्घकालीन प्रक्रिया है। अभी योग का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम, 1 महीने में नहीं होने वाला है, ये तो दीर्घकाल है, निरंतर उसके लिए हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो यह योग को योगासन में हम केवल सीमित न करते। इसलिए कल अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में यह सब्जेक्ट ही हमने रख दिया, विषय रखा गया था हार्मोनी ऑफ 4 योगास फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। क्यों रखा गया? केवल योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, ये सब्जेक्ट दिया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा, जो इस वर्ष का एम्ब्लेम दिया गया सब जगह पर, पूरे भारत में जो सीडी दी गई और योगासन बताया गया, उसमें एम्ब्लेम में कहा गया योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, वो बहुत अच्छा है। पर वह योग केवल शांति और समन्वय कहने से फिर भी लोगों के मन में यही हो सकता है, योग मतलब योगासन, पर केवल योगासन के द्वारा समन्वय और शांति नहीं आ सकते।
इसके लिए हमें उस योग को लेना पड़ेगा जिस योग की बात स्वामी विवेकानंद ने की, या जिस योग की बात भगवान श्री कृष्ण ने, सबसे बड़े योगाचार्य भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कुछ आसन किए कि नहीं हमको पता नहीं, कौन सा आसन किया कौन सा नहीं किया, पर उन्होंने जो 18 अध्याय की बात की है इसमें आसन की बात नहीं है। तो योग मतलब योगासन, इसी को बताने के लिए कल हम लोगों ने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन पर बताया कि ये चार योग मुख्य हैं, भले इसमें 18 अध्याय हैं, पर उनका हम यदि अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो उसमें लगेगा कि हमको चार रास्ते मिलते हैं उस परम तत्व को प्राप्त कैसे योग करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वैश्विक चेतना से एक होने के लिए मुख्यतः चार मार्ग हम कह सकते हैं। एक है ज्ञान का मार्ग, एक भक्ति का मार्ग, एक ध्यान का मार्ग, एक निष्काम कर्म का मार्ग। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्मयोग, ये चार योगों के बारे में ही यहाँ पर 18 अध्याय में बातें हो रही हैं। भले उन योगों के नाम अलग अलग दिए गए हैं और इन्हीं चार योगों पर स्वामी विवेकानंद ने विशद कॉमेंट्री की इंग्लिश में, और इंग्लिश में उनके ग्रंथ नहीं प्रकाशित हुए सबसे पहली बार। उन्होंने भारत में वो गिफ्ट नहीं दी, वो ओपन जो गिफ्ट बॉक्स दिया वो अमेरिका में दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वहाँ अभी यहाँ पर लोग, हम लोग गुलाम थे उस समय, हम लोगों की दूसरी समस्याएँ थी, और इसलिए उन्होंने कहा था जब तक कि हम अभी तमोगुण में डूबे हैं, पहले रजोगुण में आएंगे, उसके बाद में सत्वगुण में आएंगे, तब जा करके हम उसको समझ सकेंगे। यह उस भूखे पेट धर्म नहीं सुहाता, यह जो श्री रामकृष्ण की बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और जहाँ पर भूखा पेट नहीं है, जिनके पास खाने पीने को पर्याप्त है, ऐसे देश में अमेरिका में जा करके उनकी, उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी पर मन में शांति नहीं थी, उनको ये चार योग की ज़्यादा आवश्यकता थी। यहाँ पर अन्न वस्त्र की आवश्यकता थी, ये पहली आवश्यकता है, उसके बाद में मन की शांति की बात आती है। अब ये बात हो गई, अब अधिकांश लोगों के पास, भले 40% लोग गरीबी रेखा से निकले हैं, परंतु एक एवरेज आदमी का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ अगर बड़ा है, और कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जिनको अभी अन्न की समस्या नहीं है, पैसे की समस्या है, आर्थिक समस्या है, क्योंकि उनके पास कार नहीं है, अच्छे मॉडल की कार या अच्छे मॉडल की कार नहीं है, इसलिए वो दुखी हैं, वो अलग बात, अर्थाभाव तो है, परंतु खाने पीने के बिना मर जाए ऐसी स्थिति कम से कम 60% लोगों के पास नहीं है। उनके पास अब, उनको अभी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है मन की शांति की। अब यह समय है जब ये भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश, स्वामी विवेकानंद का संदेश आज ज़्यादा महत्व का है आधुनिक मानव के लिए। तो गीता का अध्ययन आज और भी अधिक सुसंगत है, और भी अधिक रेलिवेंट है, और भी अधिक प्रस्तुत है, प्रासंगिक है, पहले जितना नहीं था, क्योंकि पहले वो मानसिक समस्या नहीं थी, अब ये मानसिक समस्याएं बढ़ गई हैं आधुनिक मानव के लिए। उस परिप्रेक्ष्य में हम इस भगवद्गीता के संदेश को देखने का प्रयत्न करेंगे, तब हमको उसकी जो सचमुच की, उसकी जो महत्ता, उसका हमें एहसास होगा, उसकी हमें अनुभूति होगी, उसकी प्रतीति होगी। तो इसलिए यह जो हमें योग के बारे में चारों ओर सब फैल रहा है, एक योग का बहुत बड़ा वायरस चालू हो गया, बहुत अच्छी बात है, एक चारों ओर योग योग सुन रहे हैं, पर वो योग मात्र योगासन नहीं, ये बात विशेष करके हमको बतानी पड़ेगी। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 21 जून को सुबह तो हम लोगों ने योगासन किया OCD के द्वारा, पर दोपहर के बाद में सयाजी और नगर में हम लोगों ने उस पर एक सेमिनार रखा। वैसे तो हमने कहा था, गुजरात सरकार को हमने निवेदन यही किया था कि इंटरनेशनल लेवल सेमिनार रखा जाए और उसमें ये बात बताई जाए कि योग मात्र योगासन नहीं है, योग का मतलब ये चार योग होते हैं जो स्वामी विवेकानंद कहते, और इस योगों का पालन हमारे जीवन में उसका अभ्यास करते हुए परम तत्व की प्राप्ति, ये असली योग है, उसके द्वारा दैनिक जीवन में भी शांति मिलेगी और शाश्वत शांति भी मिलेगी, यह संदेश हमारा जाए। इसके लिए हमने सेमिनार की बात की, पर वो सेमिनार हो नहीं पाया, गांधीनगर में होने की बात थी, फिर यहाँ बड़ौदा में हुआ, वो भी बहुत अच्छी तरह नहीं हुआ, क्योंकि वो जितने सारी मशीनरी पूरी गवर्नमेंट की सरकारी ऑफिस मशीनरी
पूरी वो सुबह में वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए सभी जगह पर योगासन कराने में इतने व्यस्त हो गए कि सेमिनार के उनको सोचने का समय नहीं मिला। फिर आखिर में हम लोगों ने एक दिन पहले केवल कार्ड छपवाए, तो ज़्यादा लोग नहीं आए थे। जो भी लोग आए उनको हमने बताया कि योग मतलब योगासन नहीं, परंतु ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि योग का मतलब होता है ये चार योग, राजयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, और इन चारों का, चारों में से किसी एक योग के द्वारा हम लोगों को प्राप्ति हो सकती है परम तत्व की प्राप्ति। परंतु स्वामी विवेकानंद का यही कहना है, श्रेष्ठ तो यही होगा कि चारों योगों का समन्वय कर लिया जाए। हारमोनी ऑफ फोर योगा विल लीड टू हारमोनी इन लाइफ, हारमोनी इन सोसाइटी। ये चारों का समन्वय होगा तो हमें वह समन्वय शांति जल्दी मिलेगी। क्यों? उसका विस्तृत कारण हमने बताया था, अभी तो इस प्रस्तुत नहीं है, अभी इसके बारे में हम बता नहीं रहे हैं। पर वही मुख्य बात यही थी कि उसमें फैकल्टीज का, हमारे पास जितनी फैकल्टीज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। जितनी हमारे पास साधन है उन साधनों का समग्र उपयोग होता है। हाथ है, हाथों के द्वारा भगवान का काम करें तो कर्मयोग हो जाता है। सभी के पास मन है तो उस मन के द्वारा ईश्वर का चिंतन करो तो ध्यान करो तो राजयोग हो जाता है। तो हमारे पास बुद्धि, उसके द्वारा हम सत्य क्या है असत्य क्या है उसको सोचने का प्रयत्न करें, विवेक बुद्धि के द्वारा वो ज्ञान योग हो जाता है। और हमारे पास हृदय है, उस हृदय से हम ईश्वर को प्रेम करें तो वो भक्ति योग हो जाता है, प्रेम योग हो जाता है। तो इसमें चारों योगों को करने से हमारी जितनी फैकल्टी सबका यूटिलाइज होता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व भी एक इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी हो जाती है, एक समुचित व्यक्तित्व विकास होता है। और सबसे बड़ी बात है चारों योगों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग करना आधुनिक मानव के लिए उतना सरल नहीं है। कोई लोग समझते हैं कि नहीं हम राजयोग के लिए हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं राजयोग करने में क्या हरकत है, और करते हैं राजयोग शुरू किया बस, उसके बाद में फिर हमारे पास आते हैं कि भाई हमारे भतीजे का कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ गई, अब नीचे नहीं उतरती, करें क्या? किसने कहा था चढ़ाने के लिए बाबा, किसने कहा था आपको चढ़ाने के लिए? वो चढ़ाने के पहले तो आए नहीं यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग के ग्रंथ में साफ लिख दिया है कि बिना व्यक्तिगत मार्गदर्शन के ये राजयोग की जो प्रक्रिया, विशेष करके प्राणायाम, कुंभक वगैरह, रेचक पूर्वक ठीक है अनुलोम विलोम, कुंभक की बात है वहाँ बताया था, उससे बहुत अच्छी शुरुआत में अच्छी अच्छी ज्योति दिखती है, दिखता वो दिखता है, बड़े पावर आ जाते हैं, थोड़ी साइकिक पावर आ जाते हैं, थोड़ी सी सिद्धियाँ मिल जाती बस, और उसके बाद में फिर कुंडलिनी ऊपर नीचे नहीं उतर रही, मेंटल हॉस्पिटल में अब साइकिक पेशेंट बन गया वो। डॉक्टर लोग बेचारे समझते नहीं इसमें, बोले ये तो बड़ा विचित्र रोग है, हमारे पास कई मानसिक रोगी आते हैं उसको ठीक करते हैं, ये राजयोग वाले मानसिक रोगी का हम कैसे ट्रीटमेंट करें, हम तो उसके बारे में जानते ही नहीं। तो विचित्र समस्या, एक आदमी हमारे पास आया बहुत साल पहले राजकोट में, तो बस हमको तो बस बैठते तो सांप 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 दिखते हैं, सांप दिखते हैं बात क्या है, बोले आपने कुछ किया? बोले हाँ वो राजयोग की प्रैक्टिस करते थे। किस कौन गुरु कौन कर नहीं खुद ही गुरु बस, तो बस सांप से रहो सांप के साथ रहो। फिर उसको बोला जल्दी से सब ध्यान समाप्त करो और नॉर्मल लाइफ लीड करो, 24 घंटा ध्यान करने की क्षमता हमारे में से किसी पास नहीं, न तो वो हमारे पास वो ओजोन लेयर है यहाँ पर, न उतना पर ऑक्सीजन है वातावरण में, न हम उसका हमारा खुराक ऐसा है कि हम केवल फल मूल खा करके रहें, खाना है सब फास्ट फूड खाना है इस तरफ, और इधर राजयोग की प्रक्रिया कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं और राजयोग की प्रक्रिया कर रहे हैं, वो तो फिर कुंडलिनी फिर उतरेगी कहाँ से, चढ़ेगी तो। इसलिए ये राजयोग की प्रक्रिया के हम लोग उसके उपयुक्त नहीं हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आज सभी लोग पेट के अन्नगत प्राण, श्री रामचंद्र ने कहा बिना खाया नहीं होगा तो भोजन करना पड़ेगा, भोजन करने के लिए हमें आजीविका करनी पड़ेगी, आजीविका करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, कुछ न कुछ नौकरी धंधा करना पड़ेगा। तो सारा दिन ध्यान करेंगे तो कब कमाएंगे? तो कमाएंगे उस काम को भी ईश्वर का मानकर करेंगे तो कर्मयोग बन जाएगा।
और यदि हमारे पास पैसा प्रचुर है तो भी हम काम करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, तो हमारी चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होगी तो जितना शुद्ध चित्त होगा उतना ही हमारा ध्यान उसमें एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। बिना चित्त शुद्धि के हम यदि ध्यान करने बैठेंगे तो वह बहुत भयानक हो सकता है, वह डेंजरस हो सकता है। और इसीलिए यह राजयोग के साथ कर्मयोग मिलाने, कर्मयोग के लिए अकेला करने जाते हैं तो फिर जब सफलता मिलती है तो अहंकार होता है, असफलता मिलती है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। उस समय कर्मयोग की भावना के नहीं, हम करने वाले नहीं, ईश्वर हमारे पास करा रहे हैं। भक्ति योग थोड़ा सा मिला दें, शरणागति का भाव हो जाए तो वो अहंकार से बच जाते हैं। भक्ति योग बहुत अच्छा है, सरल है, परंतु उसमें एक ही बात है, एक ही नेगेटिव बात है। स्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोग फिर बहुत ज़्यादा भावुक बन जाते हैं और इमोशनल सेंटिमेंटल नॉनसेंस हो जाते हैं और इधर हमारे भगवान अभी ये कर रहे हैं, हमारे भगवान वो कर रहे हैं, हमारे ये कर रहे हैं, और सारा दिन वो उसी जगत में रहते हैं और प्रैक्टिकल नहीं बन पाते हैं। रैशनल बुद्धि का कोई व्यवहार नहीं होता, इसको छूने से ये हो जाएगा, इसको छूने से इतना पाप लगे, ये बायां से छूना है कि दाहिने से छूना है, इसी करने करने में उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए उसमें थोड़ा सा ज्ञान योग आ जाए तो वो भक्ति योग का जो जो भावुकता है वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि ज्ञान योग में बुद्धि का उपयोग होता है। और केवल ज्ञान योग करने जाए तो शुष्क है, तो ज्ञान योग की शुष्कता दूर करने के लिए उसमें भक्ति की समझ मधुरता का वहाँ पर पट डाल दें, और भक्ति योग की भावुकता को दबाने के लिए ज्ञान योग का थोड़ा सा डाल दें, और फिर कर्म योग के जहर को निकालने के लिए भक्ति योग उसमें डाल दें, तो चारों योगों का समन्वय करने से चारों का जहर निकल जाता है। योगों में जहर नहीं है, हमारी खुद की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, इसलिए ये चारों में जो उसके चारों को अकेले अकेले एक योग का अकेले योग के द्वारा भी कोई मान लो कहता मैं केवल भक्ति योग का ही मैं आश्रय हूँ, तो केवल भक्ति योग के द्वारा भी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती, नहीं हो सकता ऐसा नहीं। परंतु यदि चारों योग को मिलाने से जरा जल्दी हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद यही किया, श्री रामकृष्ण ने यही किया, माँ शारदा ने यही किया, रामकृष्ण के जितने सन्यासी डिसाइपल्स या भक्त शिष्य जो गृहस्थ सभी ने चारों योग का समन्वय की बात की। रामकृष्ण वचनामृत आप देखिए, शाम को हम लोग जो चर्चा करते हैं, तीसरी मुलाकात में, पहली मुलाकात आकस्मिक थी, दूसरी मुलाकात छोटी थी, तीसरी मुलाकात में ही श्री रामकृष्ण देव ने चारों योग का समन्वय की बात कही, चारों योग का समन्वय की बात कही। पहले कहा कि मास्टर महाशय को कि भाई इस प्रकार मास्टर महाशय प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी, तो गृहस्थ होकर भी, हाँ गृहस्थ होकर भी, पर याद रखना अनासक्ति पूर्वक संसार करो। यदि तुम संसार में रहोगे तो कोई समस्या नहीं, संसार तुम्हारे मन में ना आ जाए। यदि नाव में पानी आए तो नाव डूब जाएगी, पानी में नाव रहेगी कोई हरकत नहीं। तो कैसे हम करें अनासक्ति प्रयोग, कैसे अनासक्ति प्रयोग करें, बड़े घर की दासी के समान रहो, बड़े घर के काम वाले के समान। तो कर्मयोग की बात कह दी। फिर उन्होंने कहा ध्यान करना चाहिए मन में, वन में, कोने में, ध्यान की बात कर दी, राजयोग की बात कर दी। फिर उन्होंने कहा सब समय हमको नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये बुद्धि हमेशा रखनी चाहिए, क्या नित्य है क्या अनित्य है, भगवान ही नित्य है बाकी सब अनित्य है, एक भी वस्तु ऐसा नहीं है, सूर्य चंद्र तारे ये भी नहीं रहेंगे हजारों वर्षों के बाद, कुछ भी नहीं रहेगा, एक ईश्वर को छोड़ के बाकी सब अनित्य हैं, ये विचार करना, ये है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग हो गया, ध्यान योग हो गया, मतलब राजयोग हो गया, और भक्ति योग की बात तो बहुत ज्यादा करके कही कि सब समय ईश्वर का स्मरण होना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, ये भक्ति योग। तो चारों योगों के बाद पहली मुलाकात में, तीसरी मुलाकात में श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय को इनके माध्यम से आदि मानों को बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ चारों योगों की बातें बताते हैं, पूरे भगवद्गीता का सारांश यदि कहें ये चार योग। और स्वामी विवेकानंद ने भी चार योग बहुत बड़ी गिफ्ट हमको दी, वो भी बंद रह गई। भगवान श्री कृष्ण कितने हजारों वर्ष पूर्व हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया ये चार योगों के माध्यम से, कि दैनंदिन जीवन की सभी समस्याओं का समाधान इसमें है, कहीं जाना नहीं है,
और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। शास्त्र सुख शास्त्र शांति तो मिलेगी ही। योग मरने की कला तो बता ही दिया, कैसे मरने से हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे ये तो बता ही दिया, पर कैसे जीना ताकि दैनिक जीवन में हम समस्याओं से जूझ सकें, उनके साथ लड़ाई कर सकें बहादुरी पूर्वक, ये पूरा का पूरा यहाँ पर उसकी सामग्री यहाँ पर है। अब उसका उपयोग हम न करें तो उसके लिए कौन दोषी है? पर यही है कि यहाँ मुफ्त में बच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये गीता की पुस्तक मिलती है, आज पहले गीता प्रेस गुरुपुर में मिलती थी 5 रुपये में 1 रुपये में, ये छोटी वाली तो अभी भी इसमें लिखा होगा प्राइस, ये 2 रुपये की है, पहले ये 4 आने में आती थी, 4 आने में छोटी आती थी। तो इतनी सस्ती, इसमें पूरा का पूरा ज्ञान दिया हुआ है, इसमें क्या सुख शांति मिलेगी? हाँ एक कोर्स हो रहा है दीपक चोपड़ा का, 10 लाख रुपया होता है 1 हफ्ते का प्रोग्राम का, गोवा में होती है। 10 लाख रुपये देने से थोड़ी सी शांति मिलेगी, ये 2 पैसे में क्या शांति मिलेगी भाई? ये आधुनिक मानव सोच है, आधुनिक मानव की सोच ये है कि 2 पैसे में शांति मिलेगी भाई, कैसे हो सकता है? 10 लाख रुपये में नहीं मिली, 1 हफ्ता का प्रोग्राम किया दीपक चोपड़ा का गोवा में जा करके, और ये 2 पैसे में कैसे शांति मिलेगी? तो यहाँ मुफ्त में मिल रहा है कोई वैल्यू नहीं, यह आधुनिक यह विडंबना है। भगवान श्री कृष्ण ने सब दे दिया है, सब कुछ सीक्रेट लिकआउट कर दिया है। ये दैनंदिन जीवन में हमको टेंशन में मुक्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब दिया है, पर यह विडंबना कि हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने का जो भगवद्गीता में आधुनिक मानव के लिए सभी समस्याओं का समाधान दिया है, विशेष करके 4 योगों का यहाँ पर विस्तार से उसकी बातें कही हैं। तो ये इसलिए कहा गया कि इंटरनेशनल डे में हम बह न जाए, हमको ये मैसेज सारे विश्व में देना है, इसीलिए हमने इंटरनेशनल सेमिनार की बात कही थी कि सारे विश्व को पता लगे कि योग मतलब योगासन नहीं है, योग मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने 4 योग की बात कही भगवद्गीता में, उस योग की बात है। ये जो आसन है वो तो हठ योग का एकमात्र छोटा सा अंश है, और हठ योग उस राजयोग का छोटा सा अंश है, और राजयोग इन 4 योगों में से एक ही योग है। एक सफाई कामदार, आज दोपहर को सफाई कामदार से बात करनी, एक सफाई कामदार अपना कार्य निष्ठापूर्वक करे तो वह भी उस योग योगी ही है, वो कर्म योगी है। सेमिनार के समय कलेक्टर साहब ने कहा भाई ये तो आप लोगों का योग की बात है, इसमें हम क्या करेंगे? नहीं, मैं अभी प्रमाणित कर दूंगा कि आप भी योगी हैं, पर हाँ आप कर्म योगी हैं। तो सभी लोग कोई राजयोगी थोड़ी होगा, ध्यान योगी थोड़ी होगा, सभी लोग थोड़ी हो योगासन करने वाले हो, सभी योगी बन सकते हैं, कोई भी उम्र का होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो चाहे कुछ भी देश भरे पुरुष हो स्त्री हो, ये सभी योगी बन सकते हैं। परंतु हमको केवल अपने मन को ट्रेनिंग देना है, मन का जो दृष्टिकोण बदलना है। अभी हम लोग कर्म भोगी हैं, कर्मयोगी बन सकते हैं, तो कर्मयोगी सभी बन सकते हैं। भक्ति योग में हम समझ सकते हैं कि भाई भक्ति योग में हमारे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है, ईश्वर है या नहीं किसने देखा, अरे वो तो नरेंद्र नाथ को स्वामी श्री विवेकानंद को रामकृष्ण देव ने बताया तो बताया था, अभी तो कोई ऐसा है नहीं रामकृष्ण देव तो है नहीं जो हमको बता दें, तो भगवान है या नहीं, कौन देखा कौन नहीं, संशय आता है। चलो छोड़ दो भक्ति योग, छोड़ दो राजयोग, बोले इसमें मजा नहीं है, वो क्या प्राणायाम वगैरह करो नहीं, छोड़ दो ज्ञान योग तो समझ में नहीं आते क्या सब बात बता रहे हो। तो कर्मयोग तो कर ही रहे हो, केवल दृष्टिकोण बदल दो, निस्वार्थता पूर्वक काम करो, वो तो कितना कर रहे हो, उसमें एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, एक्स्ट्रा एक भी काम नहीं करना है, जो काम कर रहे हैं उसको पूजा समझ करके करो, हो जाएगा खत्म। और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है तो हम वो भी नहीं कहेंगे, आप भक्ति पूर्वक करो, जो काम है निष्ठा पूर्वक करो, निस्वार्थता पूर्वक करो, अनासक्ति पूर्वक करो, चाहे ईश्वर समर्पित बुद्धि से न भी कर सको तो भी कोई बात नहीं, तो भी वो कर्मयोग बन जाए और फिर आप योगी बन गए। इतना सरल है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, केवल दृष्टिकोण बदलना है, तो सभी लोग ये योगी बन सकते हैं। तो यह संदेश हमें विश्व में फैलाना है।
अभी योग इंटरनेट से योगा डे बहुत अच्छा है, पर योग इज नॉट योगा। अब योगा इज नॉट योगासन, योग मतलब ये चार योग की बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, सबसे बड़े योगाचार्य, केवल योगाचार्य नहीं योगाचार्य भगवान श्री कृष्ण, ये संदेश को हमें फैलाना है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही थी, हम लोगों ने कहा था 32वें श्लोक की चर्चा चल रही थी 10वें अध्याय की, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्गाणाम आदिअंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। हे अर्जुन, मैं आकाश आदि सृष्ट पदार्थों का आदि अंतर मध्य अर्थात उत्पत्ति स्थिति और संहार का करता हूँ। विद्याओं में मैं आत्मा संबंधी विद्या और वादियों में मैं तत्व निर्णय का कारण वाद हूँ। तो इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की कि अभी आधुनिक मानव के लिए सबसे बड़ी विद्या, महत्वपूर्ण विद्या है अध्यात्म विद्या। तो जैसे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा केवल IQ और EQ के द्वारा नहीं होगा, SQ स्पिरिचुअल पोर्शन, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है, उसी प्रकार से सभी दृष्टि से देखते हुए अध्यात्म विद्या ये श्रेष्ठ विद्या इसलिए है। नॉलेज सोसाइटी बोलते हैं कि 21वीं शताब्दी वो इट इज अ सेंचुरी ऑफ नॉलेज वर्कर्स, नॉलेज सोसाइटी अभी बढ़ रही है जहां पर आपको सम्मान मिलेगा, इसलिए नहीं कि आपके पास फरारी कार है या आपके पास लेटेस्ट मॉडल की कार है, सम्मान इसलिए नहीं मिलेगा कि आपके पास लेटेस्ट मॉडल का मकान है या लेटेस्ट मॉडल का ड्रेस है, सम्मान इसलिए नहीं मिलेगा कि आपके पास इतना सारा पैसा बैंक अकाउंट में है। तो सम्मान मिलेगा आपके पास कितना ज्ञान है। ये नॉलेज सोसाइटी आ रही है जिसमें ज्ञान के ऊपर सारा अवलंबन है, केवल ज्ञान, पर वो जो ज्ञान है वो ज्ञान अभी जो प्रस्तुत है वो है नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्डली नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज, इंटरनेट का नॉलेज, साइंस का नॉलेज, ये सब के बारे में। पर यहां श्री कृष्ण कहते हैं सबसे ज्यादा विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या, जिसकी चर्चा होती ही नहीं है, हमारे स्कूल में नहीं होती, कॉलेज में नहीं होती, पहले हमारे गुरुकुल में होती थी। जिस बताया बुद्ध को कृष्ण ने कहा दो प्रकार द्वे विद्य वेदितव्य पराचय व पराच परा अपरा, दो प्रकार की विद्या। अभी केवल अपरा विद्या सिखाते हैं, परा विद्या का तो कोई बात ही बोलबाला ही नहीं, परा विद्या तो सिखाते ही नहीं। परा विद्या मतलब उस परम चैतन्य तत्व की विद्या, उस आत्मविद्या, आत्मा के संबंधित विद्या, जो अजर अमर आत्मा है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, किसी प्रकार का नॉलेज ज्ञान आज के आधुनिक छात्र के पास नहीं। जो सबसे अधिक महत्व का है कि मैं कौन हूं, मैं केवल हार्ड मास का पिंड नहीं हूं, या मैं वो मन नहीं हूं जो कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है, वो मन मैं नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर एक नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व आत्मा हूं, ये नॉलेज कहां दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता। जो सबसे ज्यादा महत्व का है इसी को कहा अध्यात्म विद्या। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, मतलब सर्वश्रेष्ठ जो जो बातें हैं उसमें मैं हूं। तो ये अध्यात्म विद्या ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या है, इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। आगे की चर्चा बाद में करेंगे, आज समाप्त।